12 सूत्री मांगों को लेकर डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से, जहां महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी व सहायिकाओं द्वारा संगठन के माध्यम से पूर्व में दिए गए मांग पत्र के अनुसार 12 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश में विभाग को बार बार पत्र लिखकर आंगनवाड़ी वर्कर से जुड़ी समस्याओं पर मांग पत्र व वार्ता को लेकर विभाग पटेल पर नगर स्थित नगर कॉलोनी में दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन किसी भी तरह से ना अधिकारी और ना प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी मांगों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। ये डालते हैं संवाददाता रिजवानुद्दीन की एक रिपोर्ट पर नज़र, जहां आंगनवाड़ी कर रहे हैं विशाल प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर और शासन प्रशासन है मौन। सरकार निर्धारण नहीं करती तब तक उनको पुनः अपने केंद्रों में काम करने के लिए दिया जाए। वो गरीबी के और बिना इलाज के बिना मौत मरने के लिए मजबूर है, तो कम से कम इतने दिन वो काम करने वाली उनको सेवा करने का अवसर दें। और जब यह पेंशन और फंड निर्धारण कर देंगे उस समय 62 साल के इस आदेश का हम लोग स्वागत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनंदा तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ हूँ और अपने जिले के अध्यक्ष हूँ। धरने पे बैठे हुए हैं, सरकार ने हमको कई डेटें दी, हमारी मांगों को समस्याओं को सुनने के लिए निःशुल्क कोई निराकरण नहीं निकला। अंत में हम लोग मजबूर हैं, इसलिए अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे कार्य को देखा जाए तो हम लोगों की श्रेणी में मैं क्या कहूँ, एक खाने की सब्जी होती आलू, उसी की तरह हम लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉक का काम हो, स्वास्थ्य विभाग का काम हो, अपने विभाग का काम हो, शिक्षा विभाग का काम, यहाँ तक निर्वाचन आयोग का भी कार्य हो, सारे काम हम लोगों को दिए जा रहे हैं, जबकि मानदेय के नाम पर मात्र 5,000 रुपये, जिससे हमारा परिवार न चल पा रहा, न बच्चे, दुनिया का कुपोषण मिटाते हमारे बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहती हूँ कि आपने जिस जसोदा माता को एक जसोदा माँ का दर्जा दिया है, तो उसके बच्चे भी जसोदा माता के हैं, उनके भी भरण पोषण के बारे में ध्यान से सुने और उनकी भी समस्याओं को देखें। कम से कम वो जिए तो कैसे करें, उन्हें जीने लायक कम से कम 15,000 मानदेय देने की कृपा करें। क्या नाम है? मेरा नाम सरला सिंह है।